चलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम लोग देखने वाले हैं चोला चोला चोलापटनम फाइनेंस के बारे में यहाँ पर रिसेंटली स्टॉक ने काफ़ी सारे ब्रेकआउट्स दिए हैं और हमारे जोन से काफ़ी सारे जो मैंने पिछली बार जो बताया था यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड हुआ है जैसे तो मैंने बताया था कि यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड आएगा यहाँ तक का तो इसी पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं यहाँ पे और उसके अलावा इसके थोड़े फाइनेंशियल पे भी फोकस करेंगे ठीक है तो पहले एक बार इसके फाइनेंशियल्स पर अगर मैं आपको फोकस कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर ये हम लोग टेंड लाइन की साइड पर आ गए हैं तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे मतलब फिफ्टी टू वीक हाई पे है पहली चीज़ उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा अभी अभी बाइंग्स इसमें नहीं करनी चाहिए ये बोल रहे हैं लोग बट मैं आपको बताऊँगा बाइंग्स कहाँ पर करनी चाहिए उसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग रिपोर्ट्स वगैरह पे देखे कि यहाँ पे कौन सी कौन सी कंपनीज ने इसको बोला हुआ है कि बाइंग सस्ट में अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे एक टारगेट्स दे रखे हैं एट हंड्रेड ट्वेंटी का टारगेट दे रखा है उसके अलावा सेवन नाइनटी टू का भी टारगेट दे रखा है और यहाँ पे एट हंड्रेड फोर्टी का भी टारगेट एट हंड्रेड सिक्सटी का भी टारगेगेट देखा है बहुत सारी कंपनीज़ ने यहाँ पे आई डी बी आई ने देखा है मोतीलाल ओसवाल ने दे रखा तो ये टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे हम लोग फोकस कर रहे थे कि हमारे नेक्स्ट टारगेट्स कौन से होंगे इसमें अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो स्टॉक में तो स्टॉक ने पहला ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट था तो हमारे जोन हमने बोला था कि यहाँ पे बाइंग कर लेना और यहाँ से एक अच्छा खासा अराउंड अराउंड ट्वेंटी फाइव परसेंट का एक अच्छा खासा अपसाइड है तो मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि यह ट्वेंटी एट परसेंट मतलब यहाँ तक का मतलब कि अभी अगर हम लोग देखें कि यहाँ से कहाँ तक का ब्रेकआउट हो सकता है तो यहाँ तक का कम से कम सिक्स पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन वन का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट अभी भी बचा हुआ है ठीक है तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे नेक्स्ट इसका जो टारगेट होगा एट ट्वेंटी का टारगेट होगा एट ट्वेंटी पॉइंट टू जीरो का टारगेट होगा तो मैं वहाँ पे सेलिंग करने वाला हूँ अपनी पूरी होल्डिंग्स की चोला मंडलम फाइनेंस में ठीक है तो ये हुआ लॉन्ग टर्म अगर हम लोग शॉर्ट टर्म पे थोड़ा फोकस करें तो यहाँ पर रिसेंटली स्टॉक ने काफ़ी सारे एक मोमेंटम्स दिए हैं अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और एक अच्छे खासे अपसाइड में आ गया तो वही अपसाइड अभी चल रहा है जैसे आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे ये कब तक सस्टेन होने वाला है वो डिपेंड्स क्योंकि यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो वॉल्यूम्स डिक्रीज़ ही नहीं हो रही हैं वॉल्यूम्स इंक्रीज़ पे इंक्रीज़ हो रही हैं जैसे वॉल्यूम्स जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हुई फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल हो गया फिर वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हो रही हैं अब यहाँ पर भी इंक्रीज हो रही है यहाँ पर भी इंक्रीज़ हो रही है ठीक है, है। तो वॉल्यूम्स में कोई इशू नहीं है वालीम्स हर समय ऊपर ही जा रहे हैं तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है यहाँ पर देखो पहले वॉल्यूम्स कम थी अभी वॉल्यूम्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गई हैं तो वो चीज़ है स्टॉक अभी थोड़ा कंसॉडेट नहीं करेगा यहाँ पर मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंसॉलेट करके वापस से एक अच्छे खासे अपसाइड में और ये अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड मिलेगा ठीक है तो ऐसा कुछ पैटर्न बनने वाला है उसके अलावा यहाँ पर अगर हम लोग आर वगैरह पे फोकस करें इसका आर कितना चल रहा है आर एस आई अराउंड सेवेंटी सेवन पे चल रहा है तो मेरे हिसाब से आर एस आई में मोमेंटम कैसे होगा कि ऐसा कुछ फ़्लैट सा बनेगा यहाँ पे और कुछ दिनों के लिए ऐसा रहेगा और जब तक ये वाला जो अपना टारगेट है वो नहीं हो जाता क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ होगा क्योंकि काफ़ी तो लोग इस ट्रेंडर्न को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे इस वाले जोन में मतलब कि ए ट्वेंटी पे एक अच्छा खासा सेल ऑफ़ हो जाएगा ठीक है तो आपको इस वाले ट्रेंडर्ड को फोकस में लेकर चलना है और यहाँ पर अपनी मेन सेलिंग कर लेनी है ठीक है दिस इज़ ऑल अबाउट चोलामंडलम फाइनेंस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो थैंक यू